जो भी फाइल्स 2019 तक अनब्लॉक थी या अनकैंसल थी, उनकी कैंसिलेशन नहीं हुई थी, उनके लिए सोसाइटी का रूल ये है कि आप पुरानी फाइल 2020 की फाइल जो है वो 20% प्लस 3 क्वार्टर पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, 2021 की अगर फाइल है तो आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं 20% प्लस 2 इंस्टॉलमेंट पे। एंड नंबर थ्री, अगर आपके पास 2022 की फाइल है तो आप उसको 20% पे ही ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने नाम पे। नया जो लेजर बन के आएगा वो आपके नाम पे पूरे 3 साल का दोबारा से रीन्यू लेजर हो जाएगा। ये तो इन जनरल प्लॉट्स के हवाले से थी। अब कमर्शियल प्लॉट के हवाले से दूसरी पॉलिसी ये थी कि जिन मेंबर्स की बुकिंग जब भी हुई हो, अगर वो फाइलें कैंसिल नहीं हुई तो उन फाइलों को आप 60% पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके हवाले से सोसाइटी ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी इशू की है कि जिन मेंबर्स के पास भी 60% प्लस फाइल्स हैं, अगर वो कैंसिल नहीं हुई 2019 में, चूंकि बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो 2019 तक जो बहुत सारी फाइल्स हैं 2021 में कैंसिल कर दी गई थी, कि जिन फाइल्स का 10% या 20% पेड था, कोई इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं की थी, तो उनको सोसाइटी ने कैंसिल कर दिया था। उन फाइल्स को सिर्फ आप मर्जिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कि आपकी फाइल में जितने फंड्स सबमिटेड हैं उन्हीं फंड्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे प्लॉट में। आप किसी क्लाइंट की इंस्टॉलमेंट है, किसी जानने वाले की इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट में वो वाले प्लॉट जो है वो मर्ज हो सकते हैं। तो ये सोसाइटी की पॉलिसी थी।